जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। और नॉर्मल शिफ्ट क्यों है अभी बताता हूं। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सपोज ये डेंसर मीडियम है, मान लो पानी है और ये एयर है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप स्पेशली स्विमिंग पूल के आसपास जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, इसमें चले जाते हैं, लेकिन जब आप जाते हो पूल के अंदर उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा निकल आती है और आप अंदाज़ा लगा नहीं पाते कि इतनी डेप्थ होगी। तभी तो कहते हैं कि रिवर के अंदर भी लगता नहीं है कि इतनी डेप्थ होगी, लेकिन जब जाते हो तो डेप्थ सच में बहुत ज़्यादा होती है, अगर पानी क्लियर है तब भी, राइट। रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है। या फिर अगर आपने ये देखा होगा कि एक बाल्टी है, वो गेम खेलते हैं, नीचे कटोरी रख के पानी के अंदर, तो उसमें कॉइन गिरते हैं, वो नीचे 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 जाता है, कटोरी में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ऐसा लगता है कटोरी ये तो रही, कुछ भी नहीं है पानी के अंदर, लेकिन एक्चुअल में उसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने देखा ही है पानी के अंदर कोई चीज़ डालो तो वो डेप्थ ऊपर नजर आती है, उसकी डेप्थ आप अंदाज़ा लगा नहीं पाते, रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मान लो आपके पास ये वाटर है और जो कॉइन है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये कॉइन है, ठीक। ये जो कॉइन है वो ओ पॉइंट पे पड़ा हुआ है। अब आपको कॉइन दिखता कैसे है, आप रेज कॉइन से निकालोगे आइस तक जाएंगी तो क्या होगा, सपोज करो एक रे ये सीधी चली गई, ये सीधी चलेगी नॉर्मल के साथ, क्या है पॉइंट क्लियर है, एक रे सीधी चलेगी नॉर्मल के साथ, बेंडिंग नहीं हुई क्योंकि नॉर्मल के साथ है, एक रे ये री और ये बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप कहोगे यार ऑब्जेक्ट में दो ही रेज निकलती है, नहीं दो नहीं निकलती, रेज ही रेज निकलती हैं, रेज ही रेज निकलेंगी, यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी, समझाने के लिए सिर्फ दो रेज दी हैं, एक्चुअल में तो रेज ही रेज निकल रही हैं, देखने वाला यहां भी देख सकता है, देखने वाला ऊपर देखे, यहां से देखे, कोने से देखे, रेज ही रेज हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए बस दो रेज बनाई हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो कॉइन है वो कहां पर पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है, तो एक रे तो चली गई सीधी ये री और दूसरी रे ये री अवे फ्रॉम नॉर्मल ये रही। अब जो ऑब्जर्वर है, मान लो उसकी लेफ्ट आई और राइट आई है, ये बहुत मान लो छोटे एंगल पे काम हो रहा है, टॉप से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, अब ऊपर से देख रहा है, टॉप से देख रहा है, तो होगा क्या, रेज उसकी आंखों में जा रही है, वो क्या करेगा, इसको मैच करेगा ऐसे, उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर, जबकि ये इसकी क्या मानी जाएगी, इमेज, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ पर है तो दिखेगा उसको यहाँ, थोड़ा ऊपर दिखेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट उसको ये जो डेप्थ है वो आप अंदाज़ा लगा नहीं पाते। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, ऑब्जेक्ट क्यों ऊपर नजर आ रहा है, इसको समझने के लिए और भी डायग्राम्स हैं, जैसे सपोज ये देखो कोई कोने से देख रहा है, कोई ऊपर से नहीं देख रहा, तो ये देखो कोने से देख रहा है, तो रेज गई इधर से गई, ये देखो यहाँ दिखेगा उसे, सही जगह नहीं दिख रहा, टेढ़ा दिख रहा है। अच्छा फिर देखें, ये देखो टॉप से देख रहा है, ऑब्जर्वर है, रेज गई रिफ्रैक्ट हो गई, ये मिली। अच्छा फिर देखें, ये ऑब्जेक्ट है, रे गई, टेढ़ा बंदा देख रहा है, तो यहाँ दिखेगा। तो ऐसे कई डायग्राम जितने मर्जी ड्रॉ कर लो, कम से कम उसी जगह पे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स हैं। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो इसके अंदर बेसिक डायग्राम तो यही है। तो आपको करना क्या है, इसमें ये जो डेप्थ है ओ से लेके ए तक की, ये एक्चुअल डेप्थ है, इस डेप्थ को बोलते हैं रियल डेप्थ, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ है। लेकिन जो रियल डेप्थ के साथ ये जो डेप्थ है जहां पर कॉइन नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ, नकली डेप्थ है, ये असली डेप्थ है या नकली डेप्थ है, क्लियर है यहां तक। तो एक्चुअल डेप्थ क्या है, एओ, और एपरेंट डेप्थ क्या है, एआई। और आपको क्या बताना है कि कॉइन कितना ऊपर नजर आ रहा है, आपको कितना शिफ्ट हो गया नॉर्मली, नॉर्मली परपेंडिकुलरली, तो इसलिए इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट जो होती है वो क्या बनी, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अगर मैं रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दूं तो बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है, हम क्या निकालने जा रहे हैं, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो मान लो जो रियल डेप्थ है, कॉइन बना लेना, रियल डेप्थ यहां पर डायग्राम में टी है, एनसीईआरटी की बुकलेट है ये, तो रियल डेप्थ कितनी है इसमें, टी है। तो मान लो रियल डेप्थ टी है, तो मुझे क्या निकालनी है, एपरेंट डेप्थ। तो अगर मैं एपरेंट डेप्थ निकाल दूं, रियल डेप्थ तो मुझे पता ही है, दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगी, शिफ्ट आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये रिफ्रैक्शन है, तो अगर ये आई है तो अल्टरनेट से ये आई है, और अगर ये आ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक डायग्राम क्लियर है। तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएं, तो क्या है स्नेल्स लॉ, इधर देखो,
स्नेल्स लॉ में यहाँ पे यहाँ लगेगा आई और आर, ये रिफ्लेक्शन हो रही है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का तो वन ही होता है, तो क्या लगेगा म्यू इंटू साइन ऑफ आई इज वन इंटू साइन ऑफ आर। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? और म्यू लिखना है तो वाटर का लिख सकते हैं, म्यू वाटर लिखना है वाटर लिख लो, म्यू वाटर इंटू ऐसे कर लो, एयर का तो वन ही है, तो यहां से म्यू वाटर की वैल्यू क्या आएगी साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। क्या है पॉइंट क्लियर है? स्नेल्स लॉ से यही किया हुआ है इसमें मैंने, ये देखो इसके अंदर ये रहा स्नेल्स लॉ, म्यू वाटर इंटू साइन आई, म्यू एयर इंटू साइन आर, ये रहा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई, तो यहां से वाटर ऊपर है वाटर नीचे, एयर नीचे है एयर ऊपर, हालांकि वन पुट कर दोगे तो भी एक ही बात है, तो ये टर्म आ गई। इस डायग्राम में साइन ऑफ आर क्या होगा, एक काम करो ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, बोलो इसमें साइन आर क्या होगा ए बी डिवाइडेड बाय आई बी, ठीक है तो ए बी बाय आई बी। अच्छा इसी ऊपर इसी ट्राइंगल में आप साइन आई की वैल्यू निकाल लो, साइन आई क्या है, ये आपका साइन आई है पूरा, तो साइन ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, तो ए बी बाय ओ बी, तो यहां से ए बी से ए बी कैंसल, तो क्या आएगा ओ बी बाय आई बी। क्लियर है यहां तक? तो ओ बी बाय आई बी एक स्टेप एक्स्ट्रा और है, क्योंकि ऑप्टिक्स में जो एंगल्स होते हैं बहुत छोटे लिए जाते हैं, स्मॉल एंगल्स हैं, तो स्मॉल एंगल है अगर ये आई छोटा है तो बी अप्रोक्सीमेटली ए के करीब लिया जाएगा, तो बी और ए में ज्यादा अंतर नहीं है, दूरी मैं इक्वल नहीं कर सकता अप्रोक्सीमेटली, तो क्या करेंगे बी की जगह ए रिप्लेसमेंट कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा ओ ए बाय आई ए। क्लियर है? बी की जगह ए रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया ओ ए बाय आई ए, ये देखो नेक्स्ट किया हुआ है। अब ओ ए का मतलब क्या है, ओ ए का मतलब है रियल डेप्थ, आई ए का मतलब क्या है एपरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ बाय वर्चुअल या एपरेंट डेप्थ म्यू आ गया, तो फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया कि म्यू जो भी वाटर का होगा इज ऑलवेज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। क्या ये स्टेप याद रहेगा? ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ अगर रियल डेप्थ टी है तो एपरेंट डेप्थ कैन बी कैलकुलेटेड, तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इसमें मुझे क्या निकालनी है नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट को डायग्राम में चाहे चाहो तो यार डी बना लो प्लीज, ये नॉर्मल शिफ्ट डी, एक्स रहने दो एक्स नहीं है, ये डी करो डी, और रियल डेप्थ की जगह मैंने टी लिया है प्लीज, रियल डेप्थ टी लो डायग्राम में, तो रियल डेप्थ की जगह टी लो और इस शिफ्ट को क्या लिखेंगे नॉर्मल शिफ्ट को डी लिखो, तो डी क्या होगा डी की जो वैल्यू होगी वो होगी रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, तो ये क्या है मेरी रियल डेप्थ और ये क्या है मेरी एपरेंट डेप्थ, ये आ गया। एक काम करेंगे इसमें से ओ ए को कॉमन निकाल लेंगे तो ये टर्म वन हो जाएगी और ये क्या बनेगा ए आई बाय ओ ए, राइट। अब मेरे को पता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या निकाला था ओ ए बाय आई ए और मुझे क्या चाहिए आई ए बाय ओ ए रेसिप्रोकल, तो ऐसा कर सकते हैं ओ ए का मतलब है यहां पर टी टी, तो यहां पे करते हैं ओ ए की जगह टी और इसकी जगह ये लिख दें रेसिप्रोकल, ये देखो क्यों, क्योंकि उसकी उल्टी रेशियो तुम्हारे पास है, इसकी उल्टी रेशियो निकालनी है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे वन बाय म्यू आंसर, तो दिस इज दी वैल्यू ऑफ नॉर्मल शिफ्ट, तो यही अगले पेज पे किया हुआ है, देखो यही किया हुआ है रेसिप्रोकल ले लिया आंसर आ गया। ये फॉर्मूला याद करना है जो भी रियल डेप्थ है इंटू वन माइनस वन बाय म्यू, ये कौन सी डेप्थ कौन सी शिफ्ट आ जाएगी नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल शिफ्ट।